हेलो गाइस, वेलकम बैक मिस्टर शुभ गर्मी में। गाइस मैं हूं शुभम गोला और आज हम फिर से फनवर्स की एक और वीडियो लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में गाइस हमने कैजल में अपना लास्ट बस स्टॉप बनाया था और उसके बाद हमारे जितने भी पैसेंजर्स थे वो उतर चुके थे और जो वहां के कैजल के पैसेंजर्स थे उनको हमें बैठाना था, उनकी टिकट चेक करनी थी, तो वो इस वक्त हम करने वाले हैं। और हमारा जो अब स्टेशन होगा वो एक पैडरबॉर्न करके हमारा बस स्टॉप है, वहाँ पर हमें जाना। उसके बाद हम हैनओवर स्टेशन पे जाएंगे, वो हमारा लास्ट का स्टेशन होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने जितने भी हमारे पास पैसेंजर्स हैं उनकी टिकट बुक जितनी भी हुई हैं उनको चेक कर लेते हैं और उनको बैठा लेते हैं और उसके बाद ही हम अपनी पार्किंग में खड़ी बस को लेकर के चलेंगे। तो गाइज ये है हमारी बस जो कि फ्लिक्स बस थी और ब्लू कलर की बस थी जिसको हमने अपना कैजल में लास्ट बस स्टॉप बनाया था। और भाई यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी हमारे सामने खड़े हुए हैं और इनके पास बैग भी हैं, तो भाई बैग को रखने के लिए हम जो है अपने बस से जो लगेज का डोर है वो ओपन कर देते हैं और यहाँ पर इनके जितने भी बैग्स हैं ये देखो रखने शुरू हो गए हैं भाई। तो ये इनके सारे जितने भी हाथों में बैग थे और ये देखो भाई सारे रख दिए गए हैं। अब इनके मैं जो हूँ टिकट चेक कर लेता हूँ, तो सबसे पहले इन मैडम का टिकट चेक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ अपने फ्लिक्स बस को लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद ही मैं इनके जितने भी टिकट हैं वो चेक कर लेता हूँ। तो ये हैनओवर जाना है इनको मैडम को, तो एवेलिना इनका नाम है और ये हमारे पास इनका बुकिंग है, तो इनको बैठा लेते हैं। दूसरी मैडम हैं, ये जैकेट पहन करके आई हुई हैं, इनको पैडरबॉर्न जाना है हमें, तो इनका नाम क्या है? एलियोनोरा। ओके एलियोनोरा, तो आपके जो टिकट है वो भी हमारे पास है, तो आप भी आ जाइए। और ये भी पैडरबॉर्न जाने वाली हैं, तो लिलियन। भाई कैसे कैसे नाम हैं इनके, ये भी हैं मैडम, तो इनको भी बैठा लेते हैं हम। ओके हाँ जी सर, आप बताइए। जॉने। ओके तो आपका तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें होगा, टिकट बुक तो नहीं है। हैनओवर जाना है इनको भाई, तो एक काम करते हैं टू डू में देखते हैं। तो क्या नाम था इनका भाई साहब को? जॉन है। ओके भाई है, यहाँ पर है कैसर। ओके तो आप बताइए सर। हाँ जी भाई, किस लैंग्वेज में बात कर रहा? पैडरबॉर्न में जाना है इसको। और मिर्को। ओके मिर्को, क्या नाम है आपका सर? यहाँ पर तो है। ओके ओके ओके, आपका नाम है, आप आ जाइए सर। आप दिखाइए अपना टिकट, हैनओवर मैडम को जाना है। तो मैडम क्या नाम है? आलिया इनका नाम है, तो आ जाइए मैडम आलिया। और हाँ जी सर, आप बताइए। टीजियन। ओके टीजियन सर, आपका नाम है, आप आ जाइए यहाँ पर। ओके हाँ जी मैडम बताइए, ये क्या नाम है? लायदा लायदा, क्या लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। लायदा 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 इसका नाम है शायद। ओके समझ ही नहीं आ रहा, एल है आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके चैनी इनका नाम है और इनको पैडरबॉर्न जाना है। तो चैने आपका नाम किधर है? इधर तो नहीं है, मेरे सामने है, पहले नंबर पर ही आपका नाम है, तो आप आ जाओ। हाँ जी सर, आप बताइए। एलियानो। ओके एलियानो, आपका नाम यहाँ पर है। ओके आप आ जाइए सर, आपको हैनओवर जाना है। ओके हाँ जी सर बताइए, आपको पैडरबॉर्न जाना है। ओके अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रोज ड्रोज। ओके अलेक्जेंड्रोज। ओके तो आपका नाम किधर है? है सर, आप आ जाइए इधर। ओके हाँ जी मैडम बताइए, आपको किधर जाना है? आपको हैनओवर जाना है। ओके जोसेफिन। जोसेफिन किधर हैं आप? आप इधर तो दिखाई नहीं दे रही, इधर देख लेते हैं। जोसेफिन आपका नंबर है इसमें। ओके बुक कर रखा है आपने टिकट। ओके हाँ जी मैडम आप बताइए। ओके इनको जो है हैनओवर का टिकट चाहिए मैडम को, तो हम इनको एक टिकट दे देते हैं और उसके बाद इनका टिकट भी हो जाएगा हमारे पास। यूनिट ओ भाई क्या हो रखा है? वेट 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 हैनओवर, अभी हमने टिकट तो इसका सेलेक्ट हुआ नहीं था। ओके हाँ अब ठीक है। ओके मैडम आ जाइए, हमने आपको टिकट दे दिया है। हाँ जी सर, आपको भी हैनओवर जाना। मैरियस इसका नाम है, तो भाई ये इधर ही होगा। ओके मैरियस और हीरा, तो ठीक है
आपका तो है, आप बताइए मैडम, इसका नाम हीरा है, तो ठीक है इसको भी हमने बैठा लिया। तो गाइज़ हमने जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब ही हमारे बस में बैठ चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं अपने जितने भी डोर्स हैं लगेज वाले उनको बंद कर देते हैं। और आइए सर आप भी बंद हो जाइए, यार ये बंद होगा या नहीं, अरे भाई हो जा, ओके अब ये हो जाएगा हमारा डोर बंद और हम चलते हैं अपनी बस के अंदर। और हमारी बस स्टार्ट है, लेकिन हमने जो है पार्किंग स्पेस में हमने लगा रखी है ताकि हमारी जो बस है वो आगे पीछे ना हो। और भाई ये देखो हमने लाइट वाइट सब जला रखी है, और ये देखो भाई ब्लू कलर की लाइट जल रही है, और यहाँ पर हमारे कुछ यात्री यहाँ बैठे हैं पैसेंजर्स, और कुछ बैठे हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स दिखाई देंगे। तो हम चलते हैं अपने ड्राइविंग सीट पर, और वहाँ पर हम जो हैं भाई अपनी बस को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, और जितना भी हमारा जितने हमारे पैसेंजर्स हैं उनको अपने लास्ट और जो पैडरवॉन हैं उन दोनों स्टेशनों पर हम छोड़ते हैं। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, जो पार्किंग लगी हुई है वो हमारी हटा देते हैं, ओके, और अब हम लेकर के चलते हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैंने डोर तो बंद कर दिए थे ना, ये डोर तो बंद दिख रहा है मुझे, मैं एक बार जितने भी डोर्स हैं वो सारे बंद कर देता हूँ। ओके ये बंद है, पहले हमने फ्रंट का ही डोर ओपन किया था तो वो बंद है, और बाकी सारी हमारी क्लियर हैं चीज़ें। तो हम जो हैं इस बस को लेकर के चलते हैं। तो अभी हमको किधर जाना है, हमें सीधे जाना है, लेकिन भाई हमें जाना सीधे है, लेकिन बस खड़ी है आगे, यार उधर से निकालना पड़ेगा। मैं बस को लेकर के चलता हूँ आगे की तरफ, और भाई पता नहीं ये चलेगा या नहीं। ओके चलो भाई साहब मुझे जाना है आगे को निकलना है। और भाई यहाँ पर देखो अभी भाई 9:17 तक मुझे पहुँचना है, और यहाँ पर 7:55 हो रखे हैं, और भाई 58 किलोमीटर की ये दूरी है यहाँ पर साइड में, और मुझे चलना पड़ेगा। देखते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड मुझे दे रखी है यहाँ पर, और भाई मैं निकलूँ कैसे यहाँ से, बैक करना पड़ेगा क्या मुझे? एक काम करते हैं बैक ही कर लेते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ना भाई मुझे नहीं लगता ये यहाँ से जाने देंगे मुझे ये लोग, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं है मेरे पास। तो एक काम करता हूँ बैक ही जाना पड़ेगा मुझे, यार ये बंदे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो एक काम करते हैं बैक ही चलते हैं, यार बैक ही करना पड़ेगा मुझे अपनी बस को। ओके ठीक है बैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे बैक हो जा, पीछे बैक हो जा भाई, जल्दी हो जा यार, और आगे से हम दूसरे मोड़ पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पर तो बस खड़ी थी तो भाई बस जो है यहाँ से जाने नहीं दे रही हमें, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है जिससे कि मैं निकाल सकूँ अपनी बस को। पैडरबॉर्न हमें सबसे पहला स्टेशन हमारा पैडरबॉर्न है, तो हमें वहाँ जाना, उसके बाद हमारा जो लास्ट बस स्टॉप है, जो बस स्टेशन है वो हमारा हैनओवर है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और मैं जो हूँ अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ, और अब चलता हूँ आगे की तरफ। वेट न्यूट्रल हो रखा है, ओके अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और यहाँ से देखते हैं भाई हमारे पास आगे का रास्ता मिल जाएगा। ओके तो हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं, और सीधे चलते चलते हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और हमने पिछली वीडियो में कोई रूल फॉलो नहीं किए थे, तो हम इस वीडियो में भी कोई रूल फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम सीधे चलते हैं, और भाई यहाँ पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, एक सामने से एक ट्रक आ रहा है वो ही हमको दिखाई दे रहा है। और भाई मेरी जो ओवर स्पीड हो चुकी है, मुझे कॉट कर लिया है, कैच कर लिया भाई उन्होंने। तो एक काम करते हैं हम आराम से चलते हैं, और आराम आराम से ही चलेंगे, लेकिन हाँ हम कोई रूल फॉलो नहीं करने वाले हैं, और स्पीड भी हम बढ़ाते रहेंगे अपनी बस की। और अभी हमें जो है 94 किलोमीटर की दूरी पर अभी जाना है, पैडरबॉर्न हमारा इतनी दूरी पर है। और यहाँ मैं राइट की तरफ मोड़ लेता हूँ, और भैया हट जाओ, कोई है तो नहीं, अरे बस आ रही, बस हट जा, नहीं हटेगा भाई, वो घैर आदमी होते हैं बहुत ज़्यादा। तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, मेरी बस आ रही है। अरे बेटी चोद रुक ही जाता, अभी यहाँ से जाएगा नहीं, मुझे बैक करनी पड़ेगी। चल जा, जा जल्दी जा, अरे जा ना यार, ये लोग जाते नहीं हैं।
चल मैं ही निकल लेता हूँ। ओके तो मैं यहाँ से निकल लिया हूँ और मुझे जो है भाई सारी गाड़ियों को इग्नोर करते हुए चलना पड़ेगा। ओके यहाँ पर एक और रेड लाइट हो रखी है तो, ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, ये बंदा रुका नहीं भाई। मैं ऊपर नहीं चढ़ा रहा गाड़ी को अपनी, अभी मेरी गाड़ी यहीं रहने दो। ओ हो ओ ओ वेट 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 ओके चल जा, निकल 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 जल्दी निकल जल्दी निकल। अरे भाई तू निकलेगा कैसे? अरे निकल ना यार यार, ये कार वाले क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हो? ओ पीछे भी कार आ गई है। ओके अब मैं यहाँ से निकलूँ, लेकिन अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो निकलना पड़ेगा। चलो सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है वैसे तो, लेकिन मुझे तो आगे को निकलना था सीधे ही, और मैं जो हूँ निकल जाता हूँ। ओके ठीक है, मैं जो हूँ आगे की तरफ निकल जाता हूँ। वेट, कोई आ तो नहीं रहा साइडों से? कोई नहीं आ रहा, ठीक है मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो गई थी, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे आराम से भाई ब्रेकर है, और ये देखो निकल गया हमारा ब्रेकर। ऐसे ऐसे ब्रेकर हों तो मज़ा भी आ जाए भाई, तभी रोकने में मज़ा आता, बस को वरना नहीं आता। ओके आगे रेड सिग्नल है तो मैं भाई साइड को लेकर के चलता हूँ। और भाई कोई गाड़ी ठोकियो मत ना इस वक्त, मैं आराम से जा रहा हूँ। ओके मैं बहुत ही आराम से मुड़ चुका हूँ। और भाई ये देखो ट्रेन जा रही है भाई ऊपर, ओ कितनी प्यारी लग रही है रेड कलर में। इसमें यार हम ट्रेन चला सकते हैं या नहीं चला सकते? हमारे पास तो यार ये बस, फन बस के नाम से ये तो शायद बस ही चला सकते हैं, इसमें ना हम कार चला सकते हैं ना ही मुझे लगता है ट्रेन चला सकते। और एक बार फिर से मैं पकड़ा जा चुका हूँ कैमरे में, ओवर स्पीड में, और हम ये मुड़ गए हैं आगे की तरफ, और मुझे लगता है हम हाईवे पर जाने वाले हैं भाई। ओके कोई बात नहीं, हाईवे हमारा बुरा। देखो ऊपर का भाई ट्रक जा रहा है वो। ओके वेट, आराम से चलते हैं यहाँ से, और ये मुड़ाने में काफ़ी मज़ा आता है मुझे यहाँ पर बस को। कोई साइड में तो नहीं दिख रहा मुझे, पीछे आ रही है कार लेकिन बहुत दूर है वो काफ़ी। ठीक है तो हम आ चुके हैं गाइस हाईवे पर, और मुझे यहाँ पर देखते हुए चलना पड़ेगा, कोई आ तो नहीं रहा। ओ भाई अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा शीशे में अपने मिरर में। ओके 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 ओए ठोक मत दिए। अरे भाई रुक जा देख देख, मारेगा नहीं साले, अब टांगा रहेगा क्या? हद है यार। अरे यार बकचोदी कर दी इसने यार, मतलब आराम से चल रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा, इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है हम हाईवे पर आ चुके हैं, 75 किलोमीटर की दूरी हमारी रह चुकी है, और 100 किलोमीटर की पर आवर्स की स्पीड हमारी हो चुकी है। अभी हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर के आसपास चल रही है, 9:17 इसका टाइमिंग है, और 8:30 हो चुके हैं अभी हमारे पास। कोई बात नहीं हम आराम से पहुंच जाएंगे, बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे, बहुत ही आसानी से पहुंचेंगे, और ये जो है हाईवे हमारा निकल ही जाएगा जल्दी से जल्दी। फिलहाल तो हम सीधे चल लेते हैं। यार इसमें बस दिक्कत ये है ना कि इसमें फुल स्पीड अच्छी नहीं दे रखी यार, 100 ही दे रखी है, इससे ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं दे रखी, वरना तो भाई मैं बहुत ही जल्दी इन पैसेंजर्स को पहुंचा दूं। कोई आ तो नहीं रहा साइड में? ओके मैं साइड कर लेता हूँ इंडिकेटर दे करके, क्योंकि ये बंदे ऐसे पीछे से ठोकते बहुत हैं। ओके और भाई यहाँ पर एक और मार्क दिया गया है, मार्क किस तरीके का है? आगे कुछ दिक्कत तो नहीं है भाई? और मुझे नीचे उतरने के लिए भी जो मेरा मैप है उसमें GPS दिखा रहा है कि भाई नीचे ही उतरना है मुझे यहाँ से। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास साइडों में कोई आ तो नहीं रहा, तो मैं यहाँ साइड कर लेता हूँ अपनी बस को, और मेरा भी जो है नीचे उतरने का रूट आ चुका है। और भाई ये देखो, ओ ये क्या है भाई? ओए ओए अबे यार भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रोकना था यहाँ पे?
अरे हद है यार, मेरी बस ठुकवा दी भाई। वेट 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 वेट, देखूँ मैं ऊपर से देख लेता हूँ, ऊपर चढ़ करके। अरे भाई तुम लोग क्यों रुके हुए हो, मुझे तो जाने दो। और ये कौन भाई मेरे फोटो ले रहा है पीछे से, ये देखो फोटो ले रहा है भाई, ये देखो फोटो ले रहा है। एक काम करता हूँ, मैं बैक करता हूँ अपनी बस को थोड़ा सा, और मुझे जो है बस, मुझे जो है थोड़ा सा राइट साइड मुड़ना है। और ये यहाँ पर कोई चेकिंग चल रही है भाई, वेट इधर को देख लेता हूँ मैं। ओह पीछे भाग रही है भाई, रिवर्सर गेट अलग हुआ है मेरा। ओके ओके, और निकल गई मेरी बस, और मैं यहाँ से क्या निकल पाऊँगा। ओ भाई सारा जितने भी गाड़ियाँ हैं सब यहाँ पर रुकी हुई है भाई। चलो भाई मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊँगा जहाँ तक है। हाँ जी भाई, मार्क दे रखा है यहाँ पर, गाड़ियाँ रोक रखा है यार ये पुलिस वाला। मुझे उतरना पड़ेगा नीचे को। ओके तो मैं यहाँ से नीचे उतर चुका हूँ गाइस, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना तो भाई मैं परेशान हो जाता। ओके पैसेंजर्स को मैं कोई परेशानी नहीं देना चाहता, और जितने भी गाड़ियां हैं वो वहाँ पर फंसी हुई रह चुकी हैं, और मैं निकल के आ गया हूँ। और यहाँ से फिर मुझे राइट मोड़ना है, कोई है तो नहीं मेरे पीछे, फ़िलहाल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और मैं बहुत ही इजीली यहाँ से निकल चुका हूँ। ओके इधर मेरे पीछे तो कोई नहीं है भाई, मैं इधर को चल रहा हूँ, देख करके आना मेरे पास। ओके ओके ओके, फिर से मुझे राइट लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो हट रे बाद में आना तू। ओ स्पीड में स्पीड में स्पीड में गाड़ी, स्पीड में गाड़ी, स्पीड में गाड़ी, स्पीड में। ओके अब ठीक है, अब मेरी गाड़ी ठीक चलेगी आराम से। भाई अभी कितनी दूरी रह गई है, ओ मुझे लग रहा का 41 किलोमीटर की दूरी है, और भाई 9:17 पे पहुंचना, और 9:08:50 हो गए भाई, बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा मुझे यार। ये तो गलत हो रहा है फिर मेरे साथ, मैं कोई रूल फॉलो भी नहीं कर रहा, फिर भी मैं बहुत लेट जा रहा हूँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे। और भाई मैं देखो ये जंगलों में आ गया क्या, ओ जंगलों में चल रहा हूँ भाई इस टाइमिंग में। और ये देखो कितनी फास्ट ये ट्रक और बस जा रहे हैं, मेरी बस और उसका ट्रक। भाई जंगल है, घने जंगल है भाई यहाँ पे, किसी को लकड़ियों की जरूरत हो तो भाई यहाँ से काट लियो, बहुत घने जंगल है भाई। और मौसम भाई मेरा जो है ना, अभी बहुत बादल हो रखे हैं, इसलिए मेरा जो दिन है वो इस तरीके का दिखाई दे रखा है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी तो बहुत दूर है यार, 25 किलोमीटर दूर है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और भाई अभी तो 50 थे, 8:50 थे, और 8:57 हो गए एकदम ही यार, इतना जल्दी कैसे हो सकता है भाई। यहाँ का टाइम कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा है यार। उन्नीस किलोमीटर की दूरी मेरी, और भाई ये जंगलों से मुझे लगता है मैं बाहर आ चुका हूँ। और एक मकान मिल गया, मकान है ये, फैक्ट्री है, किस चीज़ की फैक्ट्री है भाई ये, ओ फैक्ट्री लग रही है मुझे तो, कोई छोटी मोटी। और अभी भी जंगलों में ही हूँ, लेकिन घने जंगलों में नहीं हूँ मैं, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है मेरी बस के साथ, और ये मैं सिटी के अंदर एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं छोटी मोटी, और इधर भी फैक्ट्रियाँ हैं। आगे मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रखा है, लेकिन मैं पेट्रोल पंप में तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार देख लेता हूँ यार मेरे पास पेट्रोल है या नहीं है। पेट्रोल तो फुल है मेरे पास भाई, पेट्रोल फुल है, तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ओके पेट्रोल तो हम बाद में ही भरवाएंगे। 9 किलोमीटर की दूरी, और 9:06 इतनी जल्दी हो गए। देखो यार अभी 8:57 हो रहे थे, और अब 9:06 इतनी जल्दी। और भाई मैं स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे अभी भी एक और मैसेज मिला हुआ है, और मैं कोई मैसेज कोई रूल फॉलो नहीं करते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ। और भाई मुझे किधर जाना है अब,
सीधे चलना है, सीधे जाकर के मुझे राइट मोड़ना है। ओके, ये मेरी जो रोड है ये यहाँ पर ही मुड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ से मोड़ लेता हूँ। ओके, फिर से लेफ्ट। और भाई मुझे यहाँ से ना आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो बस स्टॉप है वो आ चुका है और फिर से मुझे जो है ना आगे की तरफ जाना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल यहीं पर मेरा बस स्टॉप है इधर, तो देखो वो खड़े मेरे पैसेंजर्स, तो मैं उनकी तरफ चल लेता हूँ। ओए रुक जाओ, ओए पुलिस वाले, ओए बस आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? बताओ यार, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब पुलिस वाले से बोल रहा हूँ मैं, हद है यार बिल्कुल। ओके, तो गाइज हम जो हैं पैडरबोर्न आ चुके हैं और भाई सबसे पहले मैं पार्किंग में लगा देता हूँ और उसके बाद मैं जो हूँ डोर जो है वो ओपन ओपन कर देता हूँ, फ्रंट का और पीछे का, बैक का, और ये लगेज डोर भी मैं ओपन कर देता हूँ। अरे यार लॉक क्यों हो गया भाई, अनलॉक करो, इसको भी अनलॉक करो, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं यहाँ से उठ जाता हूँ और जितने भी पैसेंजर्स हैं मैं उनको, भाई उतर तो गए हैं, और जो मेरे डोर लगेज वाले हैं वो ओपन कर देता हूँ ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं ये अपने अपने डोर लेकर के चले जाएं, सॉरी बैग लेकर के चले जाएं, डोर का क्या मतलब होता है। ओके, अरे भाई तुम क्यों नहीं कर खुल यार, वेट 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 वेट, अभी दूसरों के और नहीं हुए तो एक मिनट हो जाओ, मैंने शायद लॉक कर दिए हैं। तो अनलॉक लेफ्ट डोर और अनलॉक डोर, भाई इसको भी मैंने कर दिया है, लगेज डोर को तो मैंने सारे को अनलॉक कर दिया यार, सभी अनलॉक हैं। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्यों नहीं खुल रहा भाई, अरे तुम क्यों नहीं खुल रहे हो, मुझे पैसेंजर्स को ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन पैसेंजर्स के हाथों में अभी भी बैग हैं, लेकिन ये तो अभी उतरे हैं, ये मेरे साथ अभी बैठा था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे जो है जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनके पास टिकट है उनको चेक कर लेना। पॉल, तो आपको हैनओवर जाना है सर, आप आ जाइए, आपका बुकिंग है यहाँ पर। और हाँ जी सर, आप बताइए, अरे आप तो मेरे साथ आए थे अभी। हाँ जी मैडम, फ्रेडा, ओके फ्रेडा मैडम, आपको हैनओवर जाना है, फ्रेडा मैं देख लेता हूँ, फ्रेडा भी पॉल के पास हैं, तो आप आ जाइए मैडम। हाँ जी मैडम, आप बताइए, रोस्टॉक जाना है, तो मैडम ये हमारे पास बस ऐसी है नहीं जो रोस्टॉक जाए, मुझे नहीं लगता आपका कोई टिकट होगा क्योंकि हमारी जो बस है वो हैनओवर जाने वाली है, तो सॉरी मैडम, मैं एक बार मैं आपका नाम चेक कर लेता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका नाम इसमें होगा, सॉरी मैडम आपका नाम इसमें नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है मैडम, हाँ जी मैडम, आप बताइए, हैनओवर जाना है मैडम को, और रेवेक का, इनका नाम है रेवेक का, आप आ जाइए मैडम, आपका टिकट है। हाँ जी सर, आप बताइए, आपको भी हैनओवर जाना है, क्यूरिन क्यूरिन क्यूरिन, ओके 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 ओके, आप सर किधर हैं, ओके आप आ जाइए, आपका टिकट है हमारे पास। ओके, सेसिला सेसिलिया, ओके सेसिलिया, यार ये नाम कैसे कैसे हैं भाई, मुझसे पढ़े तक नहीं जा रहे हैं, सेसिलिया, ओके आ जाइए सर, आपका भी, अरे मैडम हैं आप, मुझे लगा सर थे। ओके सैलिम, ओके सैलिम सर, आपका नाम भी मेरे पास है, आप आ जाइए। तो हमारे पास कितने और रह चुके हैं अभी, हमारे पास चार बंदे और हैं, एक मैडम, ओके मैडम का तो शायद बस छूट गया था ना। ओके हाँ जी मैडम, आप बताइए, हैनओवर आपको जाना है, फ्रांजिस्का फ्रांजिस्का मैडम, आप कहाँ हैं फ्रांजिस्का, ओके आप आ जाइए, और हाँ जी मैडम आप बताइए, आपको भी हैनओवर जाना, लुका लुका आप किधर हैं, ये हैं, ओके ओके हाँ जी मैडम, आप बताइए, आपको भी हैनओवर जाना, बैरोनिका, ये नाम मुझे बहुत ही पसंद है, बैरोनिका, तो आपका भी है ये लास्ट में, और आप अब कौन बचा है भाई, कोई बचा है, कोई नहीं बचा, तो भाई एक मैडम थी जो हमारी रह गई, इनकी बस जो थी वो छूट चुकी है, तो अब हम जो हैं जितने भी डोर्स हैं वो बंद कर देते हैं, सबसे पहले हम लगेज के डोर्स बंद कर देते हैं और उसके बाद हम अपने जो ये रियर डोर है ये बंद कर देते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पर कोई हमारा जो डोर है वो ओपन तो नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं लग रहा मुझे, और हमारी बस भी जाने के लिए तैयार है, फ़िलहाल हमारी बस खड़ी है, हम बस के अंदर बैठ जाते हैं,
हमने पार्किंग में तो लगा रखी है। और ये देखो डिस्प्ले दिखा रखा है हैनोवर। ठीक है, हम इसको लेकर के चलते हैं, हम बस के अंदर बैठ जाते हैं। और हमारा कोई भी पैसेंजर अभी छूटा नहीं है, तो बस के अंदर बैठते हैं। जितने भी डोर हैं वो लॉक कर देते हैं, मुझे लगता है ये ओपन है हमारा। और रेयर का तो हमने जो था वो बंद ही कर दिया था। ओके, वो बंद कर दिया था हमने डोर, बाकी सारे हमारी क्लियर हैं चीज़ें। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम पार्किंग से अपना ब्रेक हटा देते हैं, पार्किंग ब्रेक हमने हटा दिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखो हमारा मैप में भाई पी बना हुआ लोकेशन दिखा रखा है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। फिलहाल के लिए मैं साइड से देख लेता हूँ, एक कार जा रही है, चल भाई जल्दी निकल। ओके, तो मैं यहाँ से निकल लिया हूँ और बस अब ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, ओए चल भाई जल्दी चल। तो मुझे किधर की साइड जाना पड़ेगा भाई, सीधे ही जा रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, सीधे ही निकल लेते हैं। ओ भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई घुमाते हुए इस बस को। ओ ज़्यादा नहीं घुमाने करे बाबा। ओके फिर से मैं घुमा लेता हूँ। ओ रुक जाओ रुक जाओ, बच गई बच गई बच गई भाई, बच गई मेरी बस, बच गई। और भाई ये देखो, मैं भाई इसे ना घुमाने में बड़ा मज़ा आता है, इस बस को इस तरीके से गोल गोल घुमाने में बहुत मज़ा आता है। पूरा ही मोड़ देता हूँ एक बार और फिर से टर्न मारो। ये देखो ये मज़ा आता है भाई इसको बस को घुमाने में स्टेयरिंग के साथ साथ। और भाई ये फिर से घूम गई। हाँ जी पुलिस वाले भैया हट जाओ। और भाई ये देखो क्या खतरनाक तरीके से घूम रही है यार, ये मज़ा आ गया भाई इस बस में। ओए रुक जा रुक जा रुक 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 रुक, साले तेरे चक्कर में मैंने इसको ठोक दिया। बता यार मैंने इस कार वाले को ठोक दिया इस, यार ये बीच में कहाँ से आ गया साला, हद है यार, ब्रेक भी नहीं लगे मेरे एकदम। चलो कोई बात नहीं आगे की तरफ चलते हैं। ओए रुक जा ओए, पीछे से दिख नहीं रहा तेरे को पता कहीं का। ठीक है तो हम सीधे चलते हैं और हमें सीधे ही जाना है भाई। 180 किलोमीटर की दूरी है और मुझे जो है 12:17 पर पहुंचना है। 9:29 मेरे अभी हो रहे हैं और भाई 50 की मेरी स्पीड दे रखी है लिमिट, और मुझे जो है अभी आराम से चलना है। हैनोवर मेरा जो लास्ट का बस स्टॉप है, मुझे वहाँ जाना है। यार ये तो गलत हो गया यार, इतनी दूरी भाई। चलो कोई बात नहीं, हम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई अभी हम जो है सिटी में हैं और सिटी से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए। ये देखो सिटी, देखो भाई हमारी सिटी जा रही है दूर हमसे और हम जो है सिटी से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर जंगलों का एरिया फिर से हमारे सामने अभी दिखाई देने वाला है। 70 की हमारी स्पीड हो चुकी है और हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और इन कारों से मुक्त हो करके। लेकिन 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 नहीं, हमारे ब्रेक भी नहीं लगते यार इसमें, बस यही दिक्कत है यार भाई, ब्रेक लग जाते हैं ना बात ही लगती है यार। चलो कोई बात नहीं, हम कहीं भी घुसा देते हैं अपनी बस को, मज़ा तो इसी चीज़ में ही है, कहीं भी घुसा दो। और भाई ये देखो हम जंगलों के एरिया में फिर से आ चुके हैं और ये वही जगह है जहाँ से हम अभी आए थे। वो वो वो, और ये देखो ये अभी मैंने दिखाया था ना आते हुए फैक्ट्री, और ये वही जगह है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 168 किलोमीटर की दूरी हमारी अभी रह गई है और 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट हो चुकी है। तीव्र मोड़ एक हमें दिखाया गया है, तो हमें जो है और स्पीड से चलना चाहिए क्योंकि तीव्र मोड़ में घुमाने में ही बस को मज़ा आता है भाई। और चलो भाई जल्दी चलो, बल्दी चलो जल्दी चलो, कोई है तो नहीं सामने भाई। जंगल आ गए, घने जंगल आ गए यार। एक काम करता हूँ ऊपर से देखूँ यार मैं। ओके लो भाई ऊपर से भी देखो और आप देखो जंगल भाई। ओ मेरी बस, ओ ये चील की आवाज़ है, किसकी आवाज़ भाई, कौन सा पक्षी बोल रहा है यार, ये कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है, क्लियरली एकदम बोल रहा है यार जंगल में। लेकिन ये कहाँ तक हमारा पीछा कर रहा है भाई ये पक्षी।
या हमारे साथ साथ उड़ रहा है क्या पक्षी जो इतनी आवाज़ें क्लियरली आ रही हैं। और गाइज फिर से हम जो हैं हाईवे पर चढ़ने वाले, मुझे लगता है ऐसा अनुभव सा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे मैप में दिखाया गया है, लेकिन भाई हम हाईवे पर नहीं जाएंगे, हम दूसरे एरिया में जाने वाले हैं, दूसरे हाईवे पर जाने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसे ही रोड पर चलेंगे हम, मुझे लगता है, क्योंकि हमारा जो हाईवे है वो दूसरी साइड है यार। कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, हम अपने आराम से चलेंगे इस गाड़ी को लेकर के। और भाई यहाँ से हमारी जो गाड़ी है वो मोड़ आ चुका है, ओके, और यही मोड़ मुझे बहुत पसंद है, और ये मोड़ दिया मैंने पूरा, वाओ। ओए चुप जाओ, ओए फालतू की बकवास मत कर, मिसबिहेवियर, मुझे मज़ा आ रहा है, तुझे मिसबिहेवियर लग रहा है। ओके तो ये देखो, ये इसी रोड को ही कह रहा था क्योंकि हम जो थे भाई हाईवे पर ना जा कर के हम एक छोटी सी रोड पर जा रहे हैं, और ये पता नहीं कितनी लंबी दूरी है, अभी 137 किलोमीटर की दूरी है हमारी, और पता नहीं ये रोड ऐसी ही मिलेगी हमें या फिर हमें हाईवे पर भी जाना पड़ेगा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि जंगलों के एरिए में ये रोड निकल रही है। और भाई गाड़ियां तो जा रही हैं हमारे आगे, लेकिन बहुत कम जा रही हैं यार गाड़ियां। जब तक लोग गाड़ियां ना हो ना, तब तक लो यार चलाने में भी मज़ा नहीं आता यार, बुलाओ ब्रेक लगाओ रेस दो तभी मज़ा आता है यार। और ये भाई फिर से मुंह घुमाओ एक और भाई मैं फुल स्पीड में घुमा रहा हूँ इसको, ओह वाओ। और भाई देखो सामने, देखो लाइट के फैन आ चुके हैं बड़े बड़े, जो इलेक्ट्रिक हमारी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओए सामने से गाड़ी आ रही थी भाई, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, मुझे कैसे निकलना पड़ेगा यहाँ से, मुझे निकलने दे रे लल्ला। ओके ए ए ठुक गई बच भाई, पीछे से ठुक गई है वो गाड़ी हमारी, कोई बात नहीं। एक बार फिर से हम चल लेते हैं आगे की तरफ। और भाई ओए रुक जाओ, रुक, ओ यार इस पे ब्रेक क्यों नहीं लगते हैं यार। चलो मैं निकल लिया हूँ यहाँ से, मैं निकल गया हूँ। ओके मेरे पीछे से बस ट्रक, साले अब नहीं आ रहे, वैसे बहुत आ रहे थे बस ट्रक, अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, एक एक करके आ रहे हैं। ओह अब आने लगे, मेरे क्या कहने की देरी थी क्या भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई। ओ मेरी जो रोड है वो चौड़ी हो गई भाई, मेरी रोड यहाँ से थोड़ी चौड़ी हो गई है, और आगे को पता नहीं, आगे को तो नहीं लग रही है मुझे। ओ भाई वो देखो रोड ऊपर को चढ़ाई होगी मेरी, ओए हट जा ओए, अबे तेरी शाले, चल जा निकल निकल निकल। ओ अरे यार साइड करता हूँ बस, कहाँ देखने के चक्कर में कहाँ फंस गया, मैंने कितने एक्सीडेंट कर दिए यार। और देखो गाइस इस रोड को मैं कह रहा था भाई कैसे ऊपर को जा रही है ये, ओ लग नहीं रहा यार ये ऊपर को चढ़ेगी। ओ भाई ये ऊपर तक आ गई, ओ चढ़ जाएगी क्या बस मेरी, भाई लोड ले रही है गाड़ी, हट जाओ ए जल्दी चल। ओ भाई आगे भी है रोड इसी तरीके की भाई, तो पहाड़ों पे सीधे ऊपर नीचे कर दिया यार। ओ कैसे लेकर के जाया जाए इसको, एक मिनट अभी देख लेते हैं। और यहाँ से जाना पड़ेगा बिल्कुल ऊंचाई पर है भाई, बिल्कुल सीधा पहाड़ है, मुझे अब के रुक गई मेरी गाड़ी, अब इस बार रुक गई भाई। ओह मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, निकल लेता हूँ, चल 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 चल, वरना कोई गाड़ी आ जाएगी कोई बस, देखो आ गई है, मैं साइड कर लेता हूँ, कार ना बस दिमाग ख़राब कर देती हैं। ओके मुझे सीधा चलना है, और भाई ये देखो सीधा, अबे क्या है बकपाल यार, सीधा तो लेकर के जा रहा हूँ, पीछे से कहाँ से ठोक देते हैं ये लोग, बहुत बुरी तरीके से ठुक रही है आज तो गाड़ी।
80 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है, और भाई ये बिल्कुल सीधे पहाड़ पे चढ़ी, और देखो लोड कितना ले रही है यार ये गाड़ी। बस हमारी, ओए सामने से कोई बता दीजिए। और भाई फिर से हम जो हैं एक चौड़ी रोड पर आ चुके हैं, और मुझे लगता है अब हम जो हैं पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि 88 किलोमीटर की दूरी हमारी रह चुकी है, तो हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं अपने अगले और आखिरी बस स्टॉप हैनोवर में। देखो अब कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी, वैसे भाई इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं कि कुछ पूछो मत, अब कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी आते हुए। साला सिंगल रोड पर ही आएंगी जितनी भी आएंगी ठोकने के लिए। और भाई ये मेरी जो लाइट है ये रेड कलर की किस तरीके से शो हो रही है भाई। मैं आराम से चलता हूँ, मैं ऊपर से देख लेता हूँ इसका सीन क्या है। भाई ऊपर से तो बहुत ही हल्के लग रही है यार ये गाड़ी हमारी, बस बहुत ही हल्की स्पीड में चल रही है। ओए चुप जाओ, ओए बोल मत। हाँ यार जरा सा स्पीड कम हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, साला यही रहता है इनका ड्रामा। तो भैया मुझे जो है अभी सीधी चलना है। नागिन बना दिया भाई आगे से, तो नागिन है देखो रोड, और मैं उल्टी साइड में चल रहा हूँ इस वक्त। सामने से आएगी तो अपनी बस को एकदम घुमा लूँगा मैं, कोई अगर गाड़ी सामने से आती है तो एकदम ही घुमा लूँगा। किस तरीके से दिखाऊँ, इस तरीके से स्टेयरिंग मिसबिहेवियर। ओके, और भाई 63 किलोमीटर की दूरी हमारी, 10:33 हुए हैं अभी, और भाई हमें तो भाई 12:17 पर पहुंचना था, अभी 10:33 ही हुए हैं, तो हम कब निकले थे यार। 9:17 पर हम वहां पहुंचे थे। और एक मिनट, रोड आ गई भाई। 9:17 पर हम वहां पहुंचे, अपने पैसेंजर्स को बढ़ाया, तो हम मुझे लगता है 9:30 तक हम पैसेंजर्स को बैठा लिए थे, और उसके बाद ही हम चले थे। तो भाई अभी हमें 1 ही घंटा हुआ है, और भाई इसमें तो टाइम एकदम फास्ट भागता है भाई, बहुत ही तेज़ भाग रहा है। और भैया ये हम फिर से किसी सिटी में आ चुके हैं, और ये पता नहीं कौन सी सिटी है, लेकिन हमारा जो बस स्टॉप है वो अभी बहुत दूर ही पर है, तो भाई मुझे नहीं लगता हम किसी और सिटी में ही आए हैं। मुझे लगता है हम किसी और सिटी में हैं, हमारा मेन जो सिटी है वो नहीं है हैनोवर। ओके तो हम सीधे चल लेते हैं। और भाई ये घुमाओ बड़ा प्यारा लगता है मुझे यार, घुमाते रहो, और ये क्या घुमाने, बस यही चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। स्टीयरिंग पूरा घुमा दो, गाड़ी अपने आप मुड़ जाएगी। हट जाओ ए सामने से। और भाई अब भागी कितनी तेज़ भागी गाड़ी, अब भागी कितनी तेज़ भागी भाई गाड़ी। ओके ओ अभी ठुक जाती। ओ भाई गाड़ी बहुत सारी जा रही हैं भाई, गाड़ियाँ हमारी। देखो भाई वो देखो टावर है और बिल्डिंग्स खड़ी हैं, यानी कि हम जो हैं अपनी सिटी में पहुंच ही गए हैं लगभग, और 34 किलोमीटर की दूरी है हमारी बस स्टॉप की, और हम जो हैं पहुंच ही गए हैं अपनी सिटी में भाई। ओके ये टावर हमें दिखाई दे रहा है, ये पता नहीं टावर है ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका बिल्डिंग्स तो नहीं है, टावर ही है। ओके तो हम आगे की तरफ चलते हैं। सत्ताईस किलोमीटर की दूरी और 10:49, अभी 33 हो रहे थे 10:33 और अब हो रहे हैं 10:49। देखो कितनी फास्ट ये हमारी बस भाग रही है गाइस, वो भी 100 किलोमीटर की स्पीड पर, और हमारा जो टाइम है वो तो उससे 2 गुनी की स्पीड पर भाग रहा भाई ये देखो। और भाई हमारा मोड़ आ चुका है सिटी के अंदर जाने का, जहाँ हम सिटी के अंदर मुड़ने वाले हैं, तो मैं जो हूँ अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ। और भाई स्पीड कम होगी कि नहीं, और ये देखो
स्पीड कम कर लेता हूँ मैं अपनी। तुम लोग यहीं अटके रहो, मुझे निकलने दो बेटे। और भाई ये देखो यहाँ पर कारें खड़ी हैं। बस मैं बहुत ही आराम से निकल चुका हूँ, 13 किलोमीटर रह गया मेरा बस स्टॉप, 11 भी बजने वाले हैं। चलो भाई जल्दी से। और हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, ये पता नहीं कौन सा टावर था भाई, ये टावर है या क्या है इसका तो मुझे भी नहीं पता यार। यही हमारी सिटी है भाई। ओके हैन ओवर, हमारा जो शहर है वो आ चुका है, बस स्टॉप आ चुका है, हम सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं और काफ़ी सारे घर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें जो है स्पीड में पकड़ लिया है कैमरों ने और हम फिर से आराम से चल रहे हैं। और भाई यहाँ को ही मुझे मुड़ना है। ओए रुक जाओ ओए। और भाई ये देखो बैल भी बज चुकी है चर्च की घंटी। तू तो रुकेगा दिखे मुझे लगे है ना, रुक रहा। ओके तो हम जो है स्टॉप पे चले जाते हैं अपने। अरे भाई ये यहाँ तक ही आएगी क्या आवाज़ इसकी बैल की? साले एकदम रोक रहा है। और भाई ये देखो मुझे यहाँ पे आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकर है। ये देखो ये उतरा टायर। ओके तो राइट को मोड़ लेते हैं और आ गया हमारा बस स्टॉप भाई। और अब ये बोलेंगे देखो इतनी जल्दी आ गए हम हैं, सच्ची मुझे विश्वास नहीं होता। ये देखो बोले ना बोले ये साले। ओके मैंने पार्किंग ब्रेक लगा दिया है और अब मैं जो हूँ इनको उतार देता हूँ। अभी तक यहाँ पर कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था और अब सारे के सारे बाहर दिखाई देंगे। तो ये उतर गए और उसके बाद मैं जो हूँ सबसे पहले क्या काम करता हूँ, अपने सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ और सारी चीज़ों को बाद में बंद करूँगा। पहले मैं जो हूँ इनको उतार दिया हूँ और उसके बाद इनके जो लगेज थे सामान उनको भी इनको दे देता हूँ। ठीक है मैं पहले डोर ओपन कर लेता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहे हैं ये? अरे खुल जा, ये तो खुल गया लेकिन और तो नहीं खुल रहे हैं। सबके आ गए बैग, आ तो गए हैं सबके, सबने उतार लिए हैं। ये तो उतरेगा नहीं बैग। चलो जाओ मैडम। तो भैया ये सबके हाथों में बैग आ चुके हैं। एक काम और करता हूँ मैं, देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ रहा तो नहीं है। ये मेरे अनलॉक डोर हैं, ये भी डोर अनलॉक है। मैं रेयर डोर को पहले बंद कर देता हूँ, उसके बाद देख लेता हूँ मैं यहाँ से बंद हो जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ से के जितने भी अब मेरे खुल जाएँ डोर तो अच्छी बात है। लेकिन ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहे मेरे गाइस? ये डोर मेरे ओपन नहीं हो पा रहे हैं तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि बैग तो सबके हाथों में आ चुका है। अब ये जाएँ या नहीं जाएँ वो हमें मतलब नहीं है। ठीक है तो गाइस हमने जो था अपने पैसेंजर्स को कैजल से पैडल वन और दूसरा हमने पैडल वन से हमने छोड़ा है यहाँ हैनोवर पर। ये हमारे पैसेंजर्स हैं और इनके भाई पैर कहाँ गए? अरे भाई तुम्हारे पैर जूते कहाँ गए? तुम किस जगह खड़े हो? 3-4 बंदे पता नहीं किस तरीके से खड़े हैं। चलो इनको छोड़ देते हैं। तो भैया अब हम जो हैं अपनी बस के अंदर चलते हैं। बस के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम अपने जो डोर्स हैं उनको बंद कर देते हैं, सारे डोर को बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो काम है वो वाईफाई को बंद कर देना है, बस को पूरी बंद कर देना है हमें। किचन रेस्ट रूम लाइटें सब बंद कर दिया हमने, ये भी। अरे साहब इसको भी बंद कर देते हैं। ओके तो हमने ये भी बंद कर दिया और हमारी जो एसी है उसको भी बंद कर देते हैं। और भाई हमारी जो गाड़ी है उसको भी हमें बंद करना है, तो अभी हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट है तो इसको भी बंद कर देते हैं। ओके और इसको हम न्यूट्रल कर देते हैं अपने जो
इंजन के गेयर, इसके गेयर हैं बस के, उसको न्यूट्रल कर दिया है हमने, बाकी हमारा काम हो चुका है। तो अब बाहर की तरफ उतरते हैं, एक मिनट, अब खुलता है। ओके, अब खुल गया है मेरा गेट, तो मैं जो हूँ बस के बाहर आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो, ये इन ट्रकों की, डीसी अब की कारों की आवाज़ आ रही है, और मेरी जो बस है वो बंद हो चुकी है। तो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।